छोड़ दो, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दीजिए, मेरी पहुँच ऊपर तक है। ओहो, तुम्हारी पहुँच ना ऊपर वाले तक है, डायरेक्ट उसी से मिला दूंगी मैं तने। अरे आप लोग मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, बस देखते जाइए। अभी मुझे बचाने मेरा साला, जिसकी आइटम एक मंत्री की आइटम है, आता ही होगा। अरे जो तन्ने बचाने को आ गया ना, तो उसने बचाने कोई ना पाएगा। सुनियो, एक्सक्यूज मी। ओ तो तू है। अरे वाह, जैसे सुना था वैसे ही पाया। अरे पाया सुपर ना, केस सुन लिया तूने? बस अभी मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरी फिल्म है ना सुपर डुपर हिट होकर ही रहेगी। ना तो ये उस मजरम का साली है ना साला है। मैडम मुझे तो लगता है ये कोई फिल्म वाला है। एग्जैक्टली ये मेरा साला नहीं है। एग्जैक्टली मैं ना मैडम मैं ना एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, इंस्पेक्टर करेगी धमाल। उसके लिए ना मैं अपनी हीरोइन को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे भेजना चाहता हूँ। मैं ना मेरी हर फिल्मों के लिए ऐसा ही करता हूँ। यो पुलिस थाना है, कोई ट्रेनिंग स्कूल ना है। निकल चल निकल, कोई ट्रेनिंग ना। मैडम मुझे ना आपसे ट्रेनिंग दिलवानी भी नहीं है। इस चौकी के जो सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर है ना, उससे ट्रेनिंग दिलवानी है मेरी हीरोइन को। हम है यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। फरमाइए क्या काम है आपको। देखिए इंस्पेक्टर, मैं ना एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, चुन्नू चोटियानी। हम है ना एक फिल्म बना रहे हैं, इंस्पेक्टर करेगी धमाल। तो मेरी हीरोइन है ना, उसको आपके अंडर में ट्रेनिंग के लिए मुझे देना है। आप देंगे? हाँ हम देंगे, हम तो देंगे। मैंने कहा ना कोई ट्रेनिंग ना होगी तो ना होगी, तू निकाल। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या आपकी किताब में? एक मेहमान आए हमारे पास अपना झोला फैलाकर, तो हम उनके लिए कोई मदद नहीं कर सकते? और एक और चीज, आप यहाँ की सब इंस्पेक्टर हैं, हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हूँ समझी। और आप चिंता मत करिए, ट्रेनिंग होगी होकर रहेगी, और हम आपकी हीरोइन को घर भी लेकर जाएंगे। मेरा मतलब आप चिंता मत करिए, आपकी हीरोइन की ट्रेनिंग हो रही है ना। अच्छा ये पता बताओ यार, आपकी हीरोइन का नाम क्या है? चंद्रिका शेरावत। कैसे ले ली ना, लड़कियां कम पड़ गई कंपटीशन को कि तू भी आ गया। अरे अरे भाई गुलगुले, अरे क्या हुआ यार, अभी तक अपनी हीरोइन नहीं आई है। सर मैं यही हूँ सर। अरे यार अभी तक अपनी हीरोइन क्यों नहीं आई, जाके जाके देख। सर आ गई आ गई आ गई आ गई। वेलकम टू इमान चौकी जी। बहुत के बालकों के ड्रामा मचा रखा है। अरे हीरोइन आ रही, कोई भगवान ना आ रहा। मैडम इतनी बड़ी हीरोइन आ रही है तो स्वागत तो करेंगे ना। और मैडम कल रात को लेट नाइट टीवी पे मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा था, बहुत अच्छी लड़की है और इज्जत भी देती है। इज्जत देती है सर, मतलब रिस्पेक्ट देती है सर। हाँ तो वही तो मैं कह रहा था। एक्सक्यूज मी, हनुमान प्रसाद पांडे कौन है? अरे अरे मिस्टर रावत, आपके प्रोड्यूसर साहब ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने हमें बता दिया कि आपकी देखभाल कैसे करनी है। अब आप चिंता मत करिए, यू आर इन गुड हैंड्स। ओके सो मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी ना? अरे ट्रेनिंग तो क्या, ज्यादा महिमा मंडन करने की जरूरत ना है। मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ लेडीज टू लेडीज। हाँ तो सुन रहे हो फटाकड़ी? फटाकड़ी, मेरा नाम है चंद्रिका शेरावत। ओके ना वो एक ही बात हो रही है ना, सुनियो, है चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे ब्रह्मचारी, ना किसी औरत ने ना देखता यो, और जो औरत इसने देख लेती है ना उसे मैं देख लेती हूँ मैडम। मारा नाम है सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। यो है मैडम, बस हो गया, एक मिनट। मैं आई एम माइसेल्फ मुलायम सिंह गुलगुले। प्लीज टू मीट यू। तू जा हुरट हुरट। देख के नहीं करता, बशीर पास ले रहा था जी। हाँ जी मैं जी मैं जी। अरे तुम तो उनके जैसे हो। कैसा जी? मेरे घर में एक बूढ़ा नौकर था, बिल्कुल उनके जैसे, लेकिन वो तो बाद में चोर निकला था। नहीं जी नहीं, मैं तो पुरुष हूँ। Whatever. God, यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है? एसी नहीं है क्या? आप आइए ना हमारे केबिन में, क्या ठंडा करता हूँ मैं, मतलब आपको ठंडा करते ना उधर। आइए आप आइए। ओके एमओटे
जूस लेके आओ। आइए मिश्रावत, आइए हमारी गोद में बैठिए। मेरा मतलब है आइए हमारी कुर्सी में बैठ जाइए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, ट्रेनिंग करने आई हूँ। प्लीज ट्रेनिंग शुरू करें इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब नाम तो है ही नहीं ना हमारा। अब आप हमें इंस्पेक्टर बुलाते रहेंगी? मतलब आप हीरोइन हैं तो हम आपको हीरोइन हीरोइन बुलाते फिरते रहे। देखिए आज से आप हमें इनू और हम आपको प्यार से चीनू बुलाएंगे, मंजूर? ओके इनू, अब ट्रेनिंग शुरू करें। ओके लेट्स स्टार्ट। आउच! अरे अभी तो मैंने दबाया भी नहीं। हाँ लेकिन वो मोटे हवलदार ने दबाया था मेरा हाथ। सर जूस। तेरे को तमीज नहीं है क्या? अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए, समझे? हाँ तो चीनू ट्रेनिंग शुरू करते हैं और ट्रेनिंग का पहला लेसन ये है कि अपने से नीचे वाले लोगों की बेइज्जती करना, ठीक है? करो करो बेइज्जती करो, हम खड़े ना, करो करो। अरे करो ना, इतनी प्यारी बेइज्जती करोगी तुम, करो करो। ओके ए यू, इस तरह से सॉरी बोलने से बिल्कुल नहीं चलेगा। कान पकड़ो, सॉरी बोलो और उठक बैठक करो यू फैट बफेलो। फैट बफेलो गुड यार, यू नेचुरल। कमे अबे अगले साल करेगा क्या? सॉरी कितनी बारी तेरे को मैंने कहा है कम खाया कर, जा सिलवा के ला। अब इस आदमी की ना रोज पैंट फटती है, मैं सोच रहा हूँ कि कल से इसको स्कर्ट पहनाऊं। गुलगुले ओए गुलगुले। हाँ गोपी यार एक बात बता, कल तू जूस देने जब अंदर गया था हीरोइन को, उसके बाद क्या हुआ था? होना क्या था, वो शेरावत हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांग रही थी। फेंकू ना, ज्यादा फेंक ना वरना तन्ने उठा के ना गेट से बाहर फेंक दूंगी मैं, मन ने सब बेरा है। मैडम आपने सब देख लिया था? अरे मैं आंख बंद करके भी जो देख लेती हूँ ना, लोगों को खुली आंखों से बिना नजर आता, समझे गे? चीनू कौन है ठाणे में? मिस चौटाला, माना कि आपकी टांगे कुछ हद से ज्यादा लंबी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी टांग दूसरों के मामले में उड़ाएं। ये हमारा पर्सनल मामला है, पर्सनल, समझिए आप। हाँ सचिन तुम क्या कर रही थी? मैं ये कह रही थी कि आज तुम मुझे पिस्तौल चलाना सिखाओ। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ये पिस्तौल चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल। ये रही पिस्तौल और ये हो तुम। अब ये देखो पिस्तौल को अपने इस हाथ से पकड़ो। व्हाट अ नरम ग्रिप यू हैव। वो देखो तुम्हें वो आम दिख रहे हैं, वहां निशाना लगाओ। मुझे तो कोई आम नहीं दिख रहा। इमेजिन मन की आंखों से तो उस आम पे निशाना मत लगाओ, उस आम के ऊपर तुम्हें वो अमरूद दिख रहा है। अमरूद कहां है अमरूद? ओहो इमेजिन मन की आंखों से इमेजिन अब वहां निशाना लगाओ। तो 1 2 3 नहीं, ये तो हमारे रोज का ऐसा ही काम चलता रहता है। अब अगर ये आदमी मर भी गया तो हमारे थाने के खाने का बिल कम हो जाएगा बस। डोंट वरी आप आइए प्लीज। okay. आप आइए। अरे भाई गोपी देख ले, यो निमट गया कि ले रहा सांसे। गुलगुले गुलगुले। मैडम मैं तो बच गया, वो पिछले साल मेले से मैंने ये लॉकेट चुराया था, गोली इस पर लगी और मैं बच गया। बस मैडम अब मैं और नहीं सहन करूंगा। मैडम आप तो सर से प्यार करती हैं, इसके लिए आप ये सब सहन कर सकती हैं, लेकिन हम ये जो ज्यादा घनी बात करी ना तो काट काट के ना फ्रीजर में बांट दूंगी, समझा? इस ठाणेदार ने तो मैंने ही जानबूझ के अपने सर पे बिठा रखा है। ईब देखो बालकों मैं क्या करती हूँ। नाच। हाँ, भाई नाचना तो हर पुलिस वाले को आना चाहिए। अब आपने डाकू सुल्ताना का नाम सुना है? चलिए नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं। अब डाकू सुल्ताना कैसा पकड़ा गया? डाकू सुल्ताना जब मुजरा देखने मुन्नी बाई के कोठे पर गया तो वहां तो पुलिस पहले से मौजूद थी। तो कैसे मालूम? लो कर लो बट, हमें कैसे पता? अरे भाई मुन्नी बाई के कोठे में मुन्नी भाई के बदले हम ही रोटे मुजरा करते हुए उनकी कॉस्ट्यूम में, और ऐसा हमने मुजरा किया, ऐसा मुजरा किया कि बाजू वाले कोठे से हमको क्या धमाल का ऑफर मिला। अब हम जैसे पुलिस वालों को क्या क्या मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है अपराधियों को पकड़ने के लिए। अरे यू डोंट वरी एट ऑल, मुझे ऐसा डांस करना आता है, ऐसा डांस करना आता है कि तुम पुलिस वाले कुछ नहीं। ओ मैडम ना ज्यादा चौड़ी होने की जरूरत ना है, जो तन्ने नाचना आता है ना तो मन्ने नाचना भी आता है और नचाना भी आता है।
करा लो कॉम्पिटिशन, ना देख लेते हैं इसके लटके में ज्यादा दम हो रहा कि मारे झटके में। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू द डांस कॉम्पिटिशन एट द पुलिस स्टेशन। क्या पुलिस स्टेशन में डांस कॉम्पिटिशन है? ओके ओके ओके। एंड द फर्स्ट पार्टिसिपेंट फॉर द डांस कॉम्पिटिशन इज मिस चंद्रमुखी चौटाला। And the other participant for the competition is कोई नई एक्ट्रेस है वो। ठीक से ना बोल। मैं शेरावत। या या। सर पान नोट फरमाओ। ध्यान से। हाँ भाई। As the चुनावा जज of the competition, starting की सीटियाँ मतलब starting की सीटी हम बुलाऊंगा। मारा जो स्टाइल है ना थोड़ा वायलेंस है। म्यूजिक ना कितने नंबर दे रहा है तुमने? सर आउट ऑफ 10 दीजिएगा। तो मिस चौटाला को मिलते हैं। नौ नंबर, नौ। वाह वाह मैडम मैडम, वो एक्ट्रेस को इससे ज्यादा मिल जाए तो चांस ही नहीं है। जीत गए मैडम, आप जीत गए। टू गुड टू गुड। चला ठीक है, बस उनको बुलाओ ना अब। हाँ ऑलराइट, द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ऑन द डांस फ्लोर मिस शेरावत। तुम रेडी हो? अरे सब रेडी है। अच्छा हम सीटी बजा रहा हूं। आठ बनता है सर, आठ दे दीजिए। तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया है? तुमने मुझे इशारे से क्यों बुलाया है? वो क्या है ना कि अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ अब है ना, मैंने फैसला किया है मैं यहाँ से बाहर निकलकर शरीफ आदमी बनूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, तुमसे शादी करूंगा। नहीं, तुम तो मेरे दिल में पहले दिन से ही उतर रहे हो। सच कहो, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मगर क्या है ना कि इस लॉकअप में मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। एक काम करो ना, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। जा अब मेरे लिए एक आइसक्रीम लेकर आओ। आइसक्रीम मैं अभी लाती हूँ। बेवकूफ कहीं की। अबे तू तू क्या कर रहा है? अबे तेरी तो। चल 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 चल, अब मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दे, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बंदूक नीचे कर, वरना ये भी ढेर कर दूंगी मैं तने। अरे अपनी बंदूक नीचे करो, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मिस चौटाला, ये कोई हीरोपंती का टाइम नहीं है और ये कोई धर्मेंद्र की फिल्म नहीं चल रही है। चुपचाप अपनी बंदूक नीचे करो और जैसा ये आदमी कहता है वैसा करो, समझी तुम? आ, 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 आ,
मैडम मन्ने माफ कर दे, मन्ने कोई हीरोइन ना बनना है, मैं थानेदार नहीं सही हूँ। अरे तुम्हारी सिनेमा की दुनिया में तो तन्ने हजार रीटेक मिलते हैं, पर हमें मिलता है ना एक टेक, और जो एक टेक में हम फेल हो जाए ना तो जिंदगी जो है मौत के आगे घुटने टेक देती है। ये भी हमारे अंडर ट्रेनिंग में है। ओ न जो तू कता इतना चौड़ा हो रहा है तो कल की के बात कर रहा है, आज ही कर ले दो दो हाथ। चलिए ठीक है, बहुत गरूर है ना आप में। आप देखिए चीनू, जस्ट आई विल टेक 2 सेकंड्स, मैं इनका वो काम तमाम कर। अरे आजा। इनू तुम तो पिट गए। मरम पट्टी कर दे अपनी इनो की। इनू ऐसा लगता है कि यहाँ के सारे लोग हमसे बहुत जलते हैं। हाँ। इसलिए आज के बाद ना हम होटल ब्लू डायमंड के कमरे नंबर 777 में हमेशा मिला करेंगे, ओके? जहाँ पर तुम मुझे ट्रेनिंग दोगी और मैं तुमसे ट्रेनिंग लूंगी। अरे लेकिन सुना है कि ये होटल ब्लू डायमंड कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज का होटल है ना? हाँ तो मैं भी तो रंगीन हूँ ना इनू। बेबी देखो तुम्हारे कॉस्ट्यूम आ चुके हैं, इसमें से सब आप देखेंगे कॉस्ट्यूम बेबी के? उसकी क्या जरूरत है प्रोड्यूसर साहब, मैं खुद इनू को एक एक कॉस्ट्यूम पहन के दिखाऊं। ठीक है इनू, तो तुम होटल पहुंचो, मैं प्रोड्यूसर साहब को ड्रॉप करके तुम्हारे पास होटल आती हूँ, जहाँ पर ना मैं तुम्हें एक एक कॉस्ट्यूम ना। ये चीजें बोलने की नहीं होती, ये चीजें दिखाने की होती है। दिखा आप ऐसे करिए, आप चलिए और देखिए, एनर्जी मेंटेन करिए ताकि परफॉर्मेंस भी वैसे धमाल किस्म की निकले। आप चलिए चलिए चलिए, बी कंफर्टेबल, आप निकलिए, आप जाइए, हमारा है। बेबी ये बैग बहुत भारी, इसका क्या करेंगे? मैं तुम्हारे सामने कोली की तरह खड़ा हूँ, तुम मुझे काम क्यों नहीं देते? कोली बैग लेके आ बेबी, काम चलिए आप हमारे सुस्ती के साथ परफॉर्मेंस दीजिएगा। हाँ हमारे सर, यू डोंट वरी, मैं ये केस आज किसी भी हालत में सॉल्व। अबे अंदर दिक्कत नहीं है तेरे को? अच्छा बैग किसका है? ये बैग किसका? मेरे बाप का है। तेरे को क्या? मेरे बाप का है। इस बैग में क्या है? टमाटर है, कचौरी है, कपड़े हैं, पहनेगा क्या? कपड़े हैं, खोलो खोलो जरा, मैं भी देखो। तो खोलो। और तू ठहर जाए एक मिनट, बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कि तू कोई सीबीआई का इंस्पेक्टर है। यस यू आर राइट, आई एम सीबीआई इंस्पेक्टर रमाकांत सहाय। सर सर हमारी आदत है मजाक करने की, बहुत अच्छे कॉमेडियन है हम। कॉमेडियन है? हाँ सर। खोलो बैग, खोलो। ये लीजिए सर। मैं खोलूं? हाँ सर, आप खोलिए ना। है नमक? ये नमक नहीं, ड्रग्स है। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, मैं तुम्हें ड्रग्स की तस्करी में गिरफ्तार करता हूँ। सर ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार? शर्म की बात है सर। छड़ा। सर देखिए आप बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहे हैं। सर हमारा बैग नहीं है ये। सर ये बैग तो उस एक्ट्रेस सरावत और वो प्रोड्यूसर का है सर। तो फिर वो दोनों हैं कहाँ? ओ सर जी, यो रहे वो दोनों। हाँ दो भाई। सर जी इस इंफॉर्मेशन की जो रपट है ना, मन्ने इंटेलिजेंस से पहली आ गई थी ना, मन्ने पहली खबर लग गई थी कि बॉलीवुड की जो कुछ हस्तियां हैं वो ड्रग की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जब यो मैडम ना इस थाने में ट्रेनिंग के लिए आई ना, वो भी इस इंस्पेक्टर के अंडर में, तो मन्ने तो गारंटी से पता चल गया कि कुछ ना कुछ झोल तो ये भी है। तो सर जी यो दोनों जो है ना, यो आपके मुजरिम है और यो जो हमारे इंस्पेक्टर है ना, इन्हें यहीं छोड़ जाओ क्योंकि यो तो हमारे साथ प्लानिंग में इन्वॉल्व थे सर। गुड जॉब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। अरे फटाकड़ी चल चल। हाँ तू ये तो थैंक यू बोल दे, क्योंकि जो मैं ना होती ना तो फिर तिहाड़ जेल में बैठा बैठा कंपटीशन का जज हो रहा होता फिर। आप क्या समझती हैं कि आप ही एक इस धरती पर हैं जिनको केस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है? आपको पता है कि इस केस की इन्फॉर्मेशन आपसे पहले हमें थी और हम खुद जाकर उस होटल में उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने वाले थे, लेकिन हमने सोचा भाई चलो चंद्रमुखी चौटाला को एक मौका दे दे उनको उनकी काबिलियत दिखाने का। तो हमने सोचा ठीक है, हमने आपको मौका दिया, आपने काबिलियत दिखाई, तो थैंकू के हकदार कौन हुए? हम हुए ना। तो बोलिए, मैं थैंकू बोलिए, थैंकू बोलिए, थैंकू हमें थैंक यू बोलू तन्ने यो ले थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से आ रहे हो तुम?
सर मैं लघु शंका करके आया हूँ। लघु शंका करके आ रहे हो? मुझे तो पहले ही दिन से शंका थी कि तुम मेरा यानी चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे का पर्सनल टॉयलेट विदाउट परमिशन इस्तेमाल करते हो। सॉरी सर, बहुत जोर सी लगी थी आज सवेरे ना, मैंने छोले भटूरे भी कुछ ज्यादा ही खा लिए थे। छोले भटूरे खा लिए? ये मत भूल कि तू एक मामूली सा हवलदार है, समझे, और मैं हूँ यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर। और अगर तूने मेरी कोई भी चीज आईंदा मेरे बताए बगैर इस्तेमाल की तो मैं तेरे हाथ काट डालूंगा, समझे। सर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अगर चीफ यहाँ के थानेदार हैं तो मैं भी यहाँ का चीफ हवलदार हूँ। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, थाना हवलदारों से होता है, थानेदारों से नहीं। अरे ओए, तू एक दो टके का मामूली हवलदार है, समझे, और ये तो डब्बी शायरी है ना, जाके नुक्कड़ पे अपने लुच्चे लफंगे दोस्तों के साथ बोला कर। और अगली बार मैंने तेरे को अपने टॉयलेट के कहीं भी इर्द गिर्द देखे ना, तो मैं बैच से तेरी ऐसी पिटाई करूंगा ना कि अगले 20 दिनों पर तेरे पे निशान होंगे, समझे। योगे आपको क्या लग रहा है? अरे मारे लगने पे ना जा, वरना ऐसा लगाऊंगी ना घूमता फिरेगा कि हवा में उड़ रहा है। मैडम जी मैं ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, ये रहा मेरा इस्तीफा। अरे क्या परेशानी होगी बेटा, बोल। मैडम जी एक बात बताइए, इस चौकी में मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैंने सर्किट टॉयलेट का यूज कर ली, उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी इंसल्ट कर दी, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अरे बावड़ी पूछना, इतनी छोटी सी बात पे इतना लंबा चौड़ा खत लिख दिया। टेंशन लेने की कोई बात ना है, मैं बात कर लूंगी थानेदार से, घबराना। मैडम मैडम मैडम, तू तू कौन है? टॉयलेट। यो कैसा नाम रख दिया माँ बाप ने? नहीं मुझे है ना टॉयलेट जाना है। आपके यहाँ पे टॉयलेट कहाँ पर है प्लीज? ओ है ना वो सामने देख कैबिन है ना जो, हाँ? उसमें बहुत बढ़िया टॉयलेट है, वहां जा और खुल के। अच्छा आने के बाद थैंक यू बोलता हूँ। हाँ, हाँ, जाओ जाओ। कौन है यो? मैडम ये एक दुखी आत्मा है, इसने एक बिल्डर से फ्लैट खरीदा था, बिल्डर ने फ्लैट तो बना दिया लेकिन उसमें टॉयलेट नहीं बनाया, ये 3 दिन से यहाँ चक्कर लगा रहा है एफ.आई.आर लिखाने के लिए। बस आप थी नहीं, मैंने लिखी नहीं। साबुन नहीं रखते बाथरूम में? ओके हो गया, सॉरी सॉरी हो गया। हाँ गुड फीलिंग लाइट, गुड है या? चल निकले, मैं ना बहुत परेशान हूँ। माने मेरा नाम गुड्डू परेशान है, मैं ना बचपन से परेशान हूँ। जब मैं पेट के अंदर था ना तब बाहर हॉस्पिटल में डॉक्टर की हड़ताल हो गई, मैं अंदर परेशान हो गया। जब बाहर आया ना तब मेरी शक्ल पड़ोसी के शक्ल से मिलती जुलती थी, तो मेरे माँ और बाप के बीच में तलाक हो गया, तब मैं परेशान हो गया। जब जवानी में पैर रखा एक लड़की को पटाया तो लड़की के बाप ने क्या कहा मालूम है? कि पहले है ना तुम अपना खुद का फ्लैट खरीदो, बाद में शादी करेंगे। तो मैं परेशान हो गया। अब मैंने जब फ्लैट खरीद लिया तब मुझे पता चल रहा है कि फ्लैट के अंदर टॉयलेट ही नहीं है। अब मैं परेशान हो गया, परेशान पे परेशान, परेशान पे परेशान। ओहो ओ बालक रोना, देख भाई थारी परेशानी तो हम खत्म कर देंगे, पर हम भी चौकी में बैठे रखते हैं, हम भी घने परेशान हो रहे हैं, हमारी परेशानी का के? क्या परेशानी है? आपके यहाँ पे भी टॉयलेट नहीं है? तू हमें खुश कर दे, हम तेरी परेशानी दूर कर देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, आप है ना अपना वो मुझे लिस्ट दे दो, मैं लोन लेके वो सब भरपाई कर दूंगा। गुड गुड बॉय, थैंक यू। वेलकम सर, आपकी तारीफ। सर मैं बबलू बिल्डर। भाई आप है मिस्टर बबलू बिल्डर? जी। भाई सुनने में आया है कि आप काफी अच्छा धंधा करते हैं टॉयलेट रहित बिल्डिंग बनाने का, और तो और आपकी सारी की सारी बिल्डिंग्स इलीगल हैं, तो इसीलिए हमने आपकी प्यारी सी बिल्डिंग को गिरवाने का फैसला किया है, समझे आप। और तो और वहाँ पे एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय खुलेगा जिसके पैसे देंगे आप। सर देखिए आप ऐसा जुल्म मत कीजिए, सर मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। आप देखिए मेरी बात मानिए, आप ये रख लीजिए। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज 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 आप इसको रखिए। देख लिया देखिए, आपको मेरी कसम, आपको रखना होगा इसको बस। अब यार तुमने कसम दे दी तो हमें रखना होगा यार। सर मक्का सिंह बिल्डर के नाम पे तुम्हें खपो, ये कोई तरीका है? कोई बिल्डिंग बनाता है टॉयलेट की बना यार? ओ बबलू ने बिल्डर नके ज्यादा ना इंसाफी मचा रखी है, ना ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, क्या कह रहा है ये बालक? गुड्डू भाई आपने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, हवा बना दिया छोटी सी बात को। अच्छा देखो हम दोनों पड़ोसी है ना, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मेरा टॉयलेट एनी टाइम आपके लिए खाली है, आप जब चाहे तब जा सकते हैं, जब चाहे तब आ सकते हैं। ओके मैडम प्लीज। क्यों बेटा मंजूर है तने?
बाजू में तू गुड गुड चलो गले मिलो बाय बाय थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच वेरी गुड फीलिंग हैप्पी या नहीं अब निकल ले पप्पी देते हो टॉयलेट नहीं बना के देते हो हां चल 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 निकल निकल मासूम है मैडम अच्छा हुआ कि कल वो गुड्डू और बिल्डर मान गए जी मैडम जी अच्छा हुआ हमने कल ही पैसे ले लिए उससे जी तुम यहां क्या कर रही हो ये केस निपटा नहीं है यूं समझो कि एक दिन के लिए टाला है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुड्डू परेशान फिर से आने वाला है आप आइए नहीं यहाँ पे आइए और यहाँ पे डायरेक्ट बात कर लीजिए मुझे मत समझाइए प्लीज ये देखो हाय 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 ये कैसी बांदर किसी बना रखी से शकल किसने पीट दिया तने इनकी बीवी ने ये क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ पर तुम दोनों फिर वो क्या हुआ कि मैं ना इनका टॉयलेट यूज करने के लिए इनके घर पे गया मैंने डोरबेल बजाई तो दरवाजा नहीं खुला तो मैंने सोचा कि भाभी जी शायद सो रही है तो मैं जाने लगा अचानक मेरा हाथ है ना दरवाजे पे टकरा गया दरवाजा अपने आप खुल गया मैं अंदर चला गया उतने में भाभी जी जाग गई और मुझे चोर समझ कर बहुत मारा बहुत पीटा और मुझे टॉयलेट भी यूज करने नहीं दिया बेटा रोना रोना हो ना बबलू बिल्डर नके होशियारी लगा रखी तूने हैं ना बतेरी ना इंसाफी कर रहा है तू क्यों पीट दिया थारी बीवी ने इसको एक मिनट में चढ़ाला गलती इस गुड्डू परेशान की है इसे कैसे कहा था कि उसी वक्त जाए जब इनकी बीवी वहां सो रही है अरे तो वो इस बेचारे को क्या पता कि उसकी बीवी रात की जगह दिन में सोती है तो उनको कैसे पता कि इसको दिन में भी टॉयलेट आता है एक मिनट मुझे पता है कि दिन और रात किसको कहते हैं लेकिन उसको पता नहीं ना किसको बेटा उसको सब अपने ही आदमी से तू बेझिझक बोल दे किसको बेटा हाँ देखो भाई बबलू बिल्डर जो ये बना मैं घनी परेशान हो गई हूँ इतनी बात तो मैंने किसी से भी ना की तू इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे वरना मैं तन्ने प्रॉब्लम में डाल दूंगी अरे तुमने खामखा सबको परेशान कर दिया बस इतनी सी बात हुआ बना दिया छोटी सी बात का अच्छा मैंने इनके लिए 2 घंटे सुबह यानी कि AM और 2 घंटे रात यानी कि PM फिक्स कर देता हूँ इस दौरान तुम मेरा टॉयलेट बगैर किसी मुक्कालात खाए यूज कर सकते हो ठीक है गुड्डू भाई बोल बेटा तन्ने मंजूर हो रही बात हाँ मंजूर है गॉड वेरी गॉड इधर आओ इधर आओ तो बाजू में तो खड़ा हो और किधर आओ चलो ये गले लगो भाई भाई थैंक यू वेरी मच खास फीलिंग नाइस चल ये निकल ले पप्पी दे तो टॉयलेट बना के नहीं दे तो निकल ले थैंक यू थैंक यू थैंक यू मासूम है एक बात याद आई मैं अभी एक नई बिल्डिंग बनवा रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग उसमें एक एक फ्लैट बुक करवाएं मैं आप सभी को 50% डिस्काउंट पे वो फ्लैट दे रहा हूँ लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए थैंक यू मैं ड्यूटी पे शो रहा है मुंह में गन्ना ठूस दूंगी सुन मारी बात वो जो बबलू बिल्डर है ना वो कल आ रहा है तो मैं क्या सोच रही हूँ 50% डिस्काउंट में वो हम लोगों को फ्लैट दे रहा है तो हम फ्लैट ना 2 की जगह 1 ले लेते हैं डुप्लेक्स ना नीचे हम रहेंगे ऊपर बच्चे के क्या ले काफी रंगीन मिजाज के हैं आप भाई अगर आपको रंगों का इतना ही शौक है ना तो थाने के पिछवाड़े में जाके होली खेलिए आप शादी तो थारी जो है ना हमारे से ही होगी पर कल बबलू बिल्डर आ रहा है ना प्लान लेके बिल्डिंग का हम दोनों मिलके सजाएंगे सपनों का संसार समझा तू बबलू जी जो मेरा घर आप बनाएंगे ना उसमें 30 से 40 खिड़कियां जरूर बनाइएगा क्या है मुझे जरा ताक झाक करने की आदत है आई लाइक इट और बबलू जी मेरे फ्लैट में ना 3-4 बढ़िया सी सुंदर सी ना संगमरमर की टॉयलेट बनाना जिसे देख के सब जल जाए लेकिन तकलीफ मुझे हो रही है उसका क्या अबे तू फिर आ गया Yeah! अरे बबलू तूने इस बेचारे की तो परेशानी दूर कर दी थी ना तुमने इसको वो 2 घंटे AM के और 2 घंटे PM के दिए थे बाथरूम जाने के लिए हैं हाँ टाइम सेट किया था लेकिन AM में कौन सा मालूम है 1 AM से 3 AM तक और PM में 10 PM से 12 PM तक अरे इस वक्त मुझे तो क्या कोई प्रेशर कुकर को भी प्रेशर नहीं बनता है के हो रहा है
नक्के हो रहा है बबलू बिल्डर। अरे भाई इतनी सी बात यार, तुम इतनी सी बात के लिए यहाँ आ गए। अच्छा एक काम करते हैं कि इनके फ्लैट से एक एक दीवार तोड़ते हैं, उसमें से एक दरवाजा निकालते हैं और वो दरवाजा सीधा मेरे टॉयलेट में आके खुलेगा। ये जब चाहे उस टॉयलेट में आ सकते हैं और जब तक मर्जी हो तब तक रह सकते हैं, चाहे तो सो भी सकते हैं। यार बात कर दो तुम भी, कमाल कर दिया। इधर तू, इधर गाड़ी सर नहीं हूं मैं। पप्पी लेते हैं टॉयलेट नहीं देते। न्यू फैशन। सिर्फ देखोगी या कुछ कहोगी भी? पॉइंट भैया, पॉइंट ये है कि वो बबलू बिल्डर ने हमें दरवाजा बनाने का वादा किया था, वहां पे उसने खिड़की बना दी और खिड़की भी इतनी छोटी कि 5 साल का बच्चा भी बड़ी मुश्किल से गुजर सके। उस खिड़की में से मैं गुजरा और मेरी ये हालत हो गई। अरे बबलू जी, मेरे घर के हॉल में एक जकूजी जरूर लगवाना, मैं डूब डूब के नहाऊंगा, डूब डूब के। नॉटी बॉय। अरे चुप, ना जकूजी के मगरमच्छ, ना किससे पूछ के यो घनी प्लानिंग कर रहा तू। और तू बबलू बिल्डर ना, यो 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 के हालत बना दी इस आदमी की। ना के कहा था थारे से, कहा था दरवाजा निकालने को, के निकाला तूने खिड़की। ना खिड़की भी ऐसे साइज की ना चूहा ना बांट सके, तो यो मोटा हाथी ना मतलब यो आदमी कैसे फिट आएगा? केस ठुकेगा थारे पे, एक्शन लूंगी मैं। मैडम जी फ्लैट फ्लैट चुप। ओहो यार, तुमने इतनी सी बात का हवा बना दिया है। अब देखो हमारी बिल्डिंग जो बाजू में है वो, उसमें एक 7th फ्लोर पे फ्लैट भाड़े पर है, 1 हफ्ते वो लोग खाली करके चले जाएंगे, तुम शिफ्ट हो जाना। बहुत बेहतरीन टॉयलेट। व्हाट इज दिस? हाँ एक मिनट, एक प्रॉब्लम है। मैं 7 दिन के लिए जाऊंगा कहाँ? अच्छा ये बताओ कि हमारी बिल्डिंग उसके पीछे क्या है? जंगल। खुली हवा, लो मजा। यो आइडिया जो है ना, मन्ने चोखा लागे। एक तू एक काम कर, जंगल में मंगल। वेरी गुड बेटा, मंजूर है तन्ने? नहीं मुझे नहीं मंजूर है। सोचो कि मैं जंगल में गया बैठा और सांप ने आके काट लिया तो? ओ यार ऐसी स्थिति में कोई नहीं काटता। हाँ हाँ ना, अब तो बात फाइनल होगी। मंजूर मंजूर, ठीक है मंजूर। गॉड, वेरी गुड। इधर आओ। हाँ इधर आओ। तू इधर तो खड़ा, और किधर आओ? चलो ईद गले लगो। चाय का कोई चेयर्स होता है? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं आज आपको उस मुजरे वाली के लेके चलता हूँ ना। मुजरे वाली? चौटाला, मुजरे वाली नहीं, मुजरे वाली गली। आपने ठीक से नहीं सुना, वो कह रहा अगर आप मुजरे वाली गली से सीधा जाएंगे, आगे वो डॉक्टर कपूर रोड आता है, वहां से अगर आप लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेकर तो बिल्डिंग आती है और वो बिल्डिंग तो इन्हीं की है। भाई हमारे एक दोस्त को मकान चाहिए था तो हम। बच्चा, बच्चा, बच्चा। अरे मोहतरमा, कौन है आप? अरे मैं मोहतरमा नहीं, मैं हूँ मैं गुड्डू। ये बुरखा है ना, मुझे आप लोगों की वजह से पहनना पड़ा। आप लोगों ने मुझे क्या कहा था कि अपनी बिल्डिंग के पीछे वो जंगल है ना, वहां पे टॉयलेट जाना। लेकिन मुझे पता है कि सुबह सुबह अपने बिल्डिंग के कंपाउंड में ना अपने बिल्डिंग वाले मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो मुझे आई शर्म। इसलिए मैंने क्या किया मालूम है? ये बुरखा पहना, बुरखे के अंदर पानी की बॉटल छिपाई और निकला। तो अपना वो ठरकी वॉचमैन राजू रसिया वो मेरे पीछे हो लिया। उसे ऐसा लगा कि बुरखे में ना कोई औरत है। मुझे बहुत परेशान किया, मुझे बहुत छेड़ा। और जब मुझसे रहा नहीं गया ना, तो मैंने ये बुरखे का ढक्कन खोल दिया और मुझे देखकर, मेरे हाथ में पानी की बोतल देखकर वो सब कुछ समझ गया। बिल्डिंग में जाके सबके सामने बोला उसने कि देखो देखो गुड्डू भाई ना जंगल में टॉयलेट जाते, गुड्डू भाई जंगल में टॉयलेट जाता है। मुझे उसने बदनाम कर दिया। बड़ो बड़ो गुड्डू बेटा, बड़ो 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 बोले बोले गुड्डू। अरे बेहोश हो गया यो, डॉक्टर ने फोन कर।
देखता नहीं तुम्हारी बहन कह रही तुम्हें फोन करने के लिए। जी तू डॉक्टर है? जी। कितना सुकंडी क्या हो गया जल्दी बोल। एक सेकंड। देखिए पूरा केस मैंने समझ लिया है। डरने की कोई बात नहीं। वो क्या है ना, मुझे लगता है कि ये कई दिनों से ढंग से टॉयलेट नहीं गए, इसलिए इनकी हालत ऐसी है। डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग एक काम कीजिए, इनके लिए एक ढंग के टॉयलेट का इंतजाम कीजिए तो ये ठीक हो जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मर जाएंगे। बाकी डरने की कोई बात नहीं है। सुन लिया बबलू बिल्डर है न, टॉयलेट के दरवाजे से इसने मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया तूने। इब तो थारे पे केस ठोकूंगी, एक्शन होगा थारे पे। क्या कर रही है मैडम? अरे उनको अरेस्ट कर लिया तो हमारे फ्लैट हमको कैसे मिलेंगे? हमें हमारा घर चाहिए मैडम, प्लीज उसको अरेस्ट मत कीजिए। मैडम जी हम पुलिस वाले हैं, इसलिए हमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है। आप सिर्फ फ्लैट के बारे में सोचो, फ्लैट के बारे में। नहीं भले ही हमने फ्लैट के सपने सजाए लेकिन इस गुड्डू परेशान से भी तो पैसे खाए हैं। एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज। ठीक है जाता हूँ, उसमें डरने की कोई बात नहीं। निकल। ओ गोपी। हाँ जी जी। लगा दो चपेड़ खींच के जगह इसने। मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा। क्या किया आप लोगों ने? अरे तुमने टॉयलेट को देखो दोस्त, हवा बना दिया है। देखो तुम्हारा फ्लैट जो है वो छठे माले पे, और पीछे की तरफ किचन की खिड़की खुलती है जहाँ क्या दिखाई देता है, जंगल। बस किचन की खिड़की में एक रस्सी बांधो और उसको जंगल में फेंक दो, और रस्सी के सहारे धीरे धीरे जंगल में उतर जाओ, और वहां जाके टॉयलेट। व्हाट इज दिस? लेकिन पुत्र जब बुजुर्ग कोई बात समझाए ना मान जानी चाहिए। हाँ लेकिन लेकिन किंतु परंतु रस्सी से ऐसे उतरना जैसे कोई जीव जंतु। हाँ तो मैं वही तो कहने जा रहा हूँ कि ना ही मुझे रस्सी से ऊपर चढ़ना आता है ना ही नीचे उतरना आता है। देखो बेटा घबराते नहीं है, सिंपल सी बात है, दो पैग लगाओ। पैग जगह किधर है? मतलब मेरा मतलब है आप दो पग चढ़े, हम आपके पीछे पीछे दो पग चढ़ेंगे ना। क्यों मिस चौटाला, हम इन्हें सिखाएंगे ना ऊपर नीचे जाना आना। तू टेंशन ना ले, पुलिस अच्छे अच्छे आदमियों को बांदर बना देती है, ये मैं तने बांदर की तरह उतरना चढ़ना सिखा दूंगी। हाँ भाई रस्सी लाओ। तो देखो यार ये घोड़ा है। ये घोड़ा है? अबे वो तपड़क तपड़क वाला घोड़ा नहीं, ये घोड़ा है जिसमें तुम चढ़ोगे, रस्सी को पकड़ोगे, फिर हम घोड़ा खींच लेंगे, फिर तुम ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है। चल शेर बनो भी, चल जाओ। लेकिन मेरी बात सुनो ना, मैं बाद में ट्राई करता हूं। नहीं नहीं अभी चलो चलो पूछ नहीं होगा। एक मिनट। हां कम ऑन यू कैन डू इट। चल चल हां 1 मिनट सुनो, जब ऊपर पहुंच जाओ ना तो बताना। नहीं नहीं रस्सी पकड़ के जब ऊपर पहुंच जाओ बताना। पहुंच गए? एक मिनट पहुंच गए। स्पून निकालू? एक मिनट रस्सी तो पकड़ने दो। पकड़ ली? हाँ पकड़ ली। निकालू? मेरी टांग। मैडम जी लगता है इसकी टांग टूट गई। डोंट वरी, इस आदमी ने अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पूछे कैसे? कैसे? अब हम इस आदमी को एडमिट करेंगे पारिक नर्सिंग होम में, जहाँ पर 5-स्टार होटलों की तरह कमरे हैं और साथ में है 7-स्टार टॉयलेट्स की सुविधा। ये आदमी वहाँ के टॉयलेट को यूज करेगा और अपने पेट को साफ करेगा और रात को चैन की नींद सोएगा। गुड गुड मक्खन सिंह। नहीं मन ने विश्वास हो गया है कि जब मरी चौ जना एकदम। सुन भाई मोटे, तन्ने मंजूर है? हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन टांग ठीक हो जाने के बाद तो वापस। अरे टांग की के घनी चिंता ले रहा है, टांग की टेंशन ना ले, वापस आ जाइयो, टांग फिर से मैं तोड़ दूंगी। एग्जैक्टली भाई, तुम इसी तरह वापस आते रहना, हम तुम्हारी टांग तोड़ते रहेंगे, तुम वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते रहना और हॉस्पिटल के टॉयलेटों का लुत्फ उठाना। आइडिया बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मुझे ये बताइए कि इतने महंगे हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? आए अरे बिल की तो कोई समस्या ही ना हो रही। अच्छा देख इब तो तन्ने हॉस्पिटल में ही रहना है, तो जो थारा फ्लैट है उसका क्या चार्ज डालेगा ना, उसने हम बेच के थारा बिल पे कर देंगे। क्या बोलता है? क्या?
भी बोल। अबे तेरी सवाल तेरी के बात होगी बेटा गुलगुले, ना आज तो तू गुलगुले से कतई गब्बर सिंह हुए जा रहा है, और ये ठाकुर कौन है, क्यों पीट रहा है तू इसने बेटा? अरे मैडम मैडम, इसने मुझसे कहा कि ये बहुत बड़ा वास्तु शास्त्री है, और मैं अपने घर में कुछ परिवर्तन कर दूं तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और मैं हवलदार से सीधा DIG बन जाऊंगा। तो बन गया तू DIG? अरे काहे का मैडम, मैडम इसने मेरा बाथरूम बालकनी में शिफ्ट करवा दिया, मेरे मेरे किचन को बाथरूम में शिफ्ट करवा दिया, और मेरे पड़ोसी को मेरे बेडरूम में शिफ्ट करवा दिया। पड़ोसी बेडरूम? अरे क्या बात कर रहा है? हाँ मैडम, ये कह रहा था कि मेरे पड़ोसी की किस्मत बहुत अच्छी है, अगर वो थोड़े दिन मेरे बेडरूम में सो जाएगा तो मेरी किस्मत भी खुल जाएगी। तो खुल गई थारी किस्मत अकलमंद आदमी? अरे कहाँ मैडम, मेरी बीवी की पोल खुल गई, उस आदमी के साथ भाग रही थी, मैंने पकड़ लिया, सब इसकी वजह से। तेरी चल अंदर, तेरे को अंदर दिखा दो, चल तेरी। अरे आप लिख लीजिए ना FIR गोपी जी, है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। देखो शर्मा जी वर्मा जी, मैं ऐसे FIR नहीं ले सकता हूँ। गोपी क्यों घना भयभीत हो रहा है, कौन है ये दोनों, धर के ला। हाँ भाई कौन हो? ये है वर्मा जी। और ये है शर्मा जी। तो FIR किसने लिखानी है, शर्मा ने कि वर्मा ने? जी शर्मा जी को, है ना शर्मा जी? जैसे आप कहे वर्मा जी। बीवी भाग गई के? बीवी भाग गई क्या शर्मा जी? नहीं मुझे पता नहीं, अगर आप कहे तो मैं फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं फोन कर सकता हूँ? अरे चुप, के नाटक मचा रखा है, है? पुलिस थाना आई हो, के कंप्लेंट लिखानी है, साफ साफ बोलो। बता दो वर्मा जी। हाँ शर्मा जी। देखिए मैं है ना बैंक कर्मचारी हूँ, और ये है मेरा दोस्त, वो भी बैंक कर्मचारी है, ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। अब वो क्या है मैडम के मेरे पड़ोस में एक बेवड़ा रहता है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। वो रोज रात को मेरे घर का दरवाजा खटखटाता है, मेरा नौकर दरवाजा खोलता है, वो बेवड़ा मेरे नौकर को पीटता है, मेरा नौकर चिल्लाता है, वो चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी वाइफ बाहर आती है, तो वो बेवड़ा मेरी वाइफ को छेड़ता है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। खामखा अपनी बीवी को पड़ोसी से छिड़वाते हो, जब नौकर चीखता है तो तुम क्यों नहीं बाहर आते हो? वो क्या है कि मेरा दिल है ना थोड़ा कमजोर है ना, इसलिए, है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। तो उतरो। हो गया? यस यस। ना कुछ बाकी है? ओ बेटी ना बालकों ने ना डरा, जा जाके आइसक्रीम खा, चल। तुम्हारी जो कंप्लेंट है, हेलो इधर, मैं बात कर रही हूँ। सॉरी वर्मा जी। सॉरी शर्मा जी। अरे जाओ नमन ने, माफ करो गोपी बेटा, इनकी FIR लिख ली है और इनके पड़ोसी ने धर के लेके, इन्हें निकाल यहाँ से, इन्हें भेज दे बेटा, इन्हें भेज दे। थैंक यू थैंक यू। तो चले वर्मा जी। हाँ शर्मा जी। चलो रिपोर्ट, अरे रिपोर्ट तो लिखवाओ। ओहो दुक्कड़ साहब, क्या चल रहा है? बढ़िया गोपी जी, कैसे आप? बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए। अरे बस आपकी याद आई। चश्मा बहुत बढ़िया जी, आप ही का है, रख लीजिए। कल साहब आपने आने की तकलीफ क्यों की, आपने हमें बुला लिया होता, चौकी लेकर पहुंच जाते हो। ओहो भाई डुग्गल साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया। अरे आज कैसे आना हो गया चौकी में? वो कुछ नहीं, आपके पुलिस चौकी से मेरे घर पे कोई फोन आया था, कोई चिरकुट मामला है, छेड़खानी वाला। ओहो डुग्गल साहब, आप हो वो शर्मा जी के पड़ोसी? के करते हो डुग्गल साहब? ना हमने सुना है आप उसके नौकर को पीटते हो, उसकी बीवी को छेड़ते हो, ना ऐसा कुकर्म क्यों करते हो भाई? अंदर की बात बताता हूँ। क्या है ना मैडम, मैं शर्मा का फ्लैट खाली करवाना चाहता हूँ। क्या है ना, अभी मैंने तीसरी शादी की है ना, तो क्या है ना ये फ्लैट मुझे छोटा पड़ता है, अगर शर्मा अपना फ्लैट खाली करके मुझे दे दे तो मैं अपनी बीबी और बच्चों के साथ आराम से रह सकूँ, उसका फ्लैट और मेरा फ्लैट मिला के बड़ा फ्लैट कर दूँ, इसी बहाने आपको भी 2 पैसे मिलेंगे ना। अगर मेरे दिल में कुछ नहीं है मैडम। मैडम ये तो बंपर ऑफर है, बंपर ऑफर। केस तो दुकर साहब यूं घुमा देंगे हम, मतलब मम्मी जी केस यूं घुमा देंगी। अरे डुग्गल साहब आप टेंशन कोई ना लो, आपका केस घूम गया समझो, क्योंकि पुलिस जब कोई चीज घुमाने पे आती है ना तो दुनिया घूम जाती है। क्या बात है। तो क्या सोचा आपने मैडम? ना घड़े सोच विचार के बाद मैं यो निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि तू गलत आदमी से, सारी गलती थारी है भाई। ये क्या बोल रही वर्मा जी? पहले सुन तो लीजिए शर्मा जी। अरे वो जो डुग्गल है ना वो नियति शरीफ आदमी हो रहा है, वो बेकसूर है, और इनका नौकर जो रोज पीट रहा है वो कसूरवार है। अरे वाह वाह, क्या पॉइंट निकाला है वर्मा जी। थैंक यू शर्मा जी। ऐसा पॉइंटेड रैप्टा बजा दूंगी ना कि पूरे बदन में छलनी से पॉइंट आ जाएंगे, समझा के? अरे मैडम कह रही है डुग्गल बेकसूर है तो वो बेकसूर है, और रही बात तुम्हारे नौकर की, हम कैसे मान ले तुम्हारे पास नौकर है? हो सकता है वो दुग्गल को फंसाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पास नौकर है ना वर्मा जी? आप
आपके घर में जो रहता है वो आपका नौकर ही है ना शर्मा जी? अरे है नौकर है। कंफर्म? कंफर्म। तो वो तो लाए होगी। वो क्या वर्मा जी? इन्हीं से पूछ लेते हैं ना शर्मा जी, वो क्या? वेरिफिकेशन पेपर। न जब हम घर में किसी नौकर को रखे है ना परिचित आदमी, तो पुलिस चौकी में जाके उसका वेरिफिकेशन कराते हैं। तो थारे नौकर का जो वेरिफिकेशन कागज है वो एक कॉपी दे दे मन्ने। मैडम मुझे नहीं लगता इनके पास कोई वेरिफिकेशन कागज है, इसको तो अंदर करना पड़ेगा। मैडम धर दे बेटा अंदर। यहाँ आइए वर्मा जी। जी शर्मा जी, मैंने वेरिफिकेशन तो करवाया ना वर्मा जी। नौकर आपने रखा था तो आपको पता होना चाहिए ना शर्मा जी। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना शर्मा जी। आइए। अब वो क्या है ना मैडम जी, कि वेरिफिकेशन करवाया है या नहीं करवाया है वो इनकी बीवी को पता है, तो हम उनको पूछ लेते हैं और अगर वेरिफिकेशन करवाया होगा तो कल पेपर्स लेके आ जाएंगे। और जो ना कराया होगा ना तो भी कल हाजिरी देने थाने में आ जाना, वरना बेडरूम से बेड समेत उठवा लूंगी। समझ गए ना वर्मा जी? जी शर्मा जी। सलाम साहब, क्या बात है इतनी रात को मुझे यहाँ पे अकेले बुलाया? तुम जैसे लोगों से मैं रात को अकेले में मिलना पसंद करता हूँ। वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप वैसे हैं। वैसे कैसे? छोड़ो ना साहब, वैसे मेरे दिल में कुछ नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हारे खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई गई है समझे, और हमें उस पे एक्शन लेना होगा। अरे साहब आप इस पुलिस चौकी में नए नए हैं ना, इसलिए मुझे जानते नहीं हो। ऐसे मैं पुलिस का सेवक हूँ। अरे भाई हम कैसे मान ले, आपने हमारी सेवा थोड़ी की है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है साहब, आपकी भी सेवा कर देंगे, हमें एक मौका तो दीजिए। तो कसम अय्याशी की आज से तुम्हारा केस हमारा केस हो, लेकिन अगर इस बारे में कानो कान किसी को खबर लगी तो मैं तुम्हारे कान काट डालूंगा। आप फिक्र मत कीजिए साहब, वैसे मेरे दिल में कुछ नहीं है। मैडम अबू, मैडम अबू, मैडम अब वो शर्मा जी हमारे चंगुल से बच नहीं पाएंगे। मैडम जी मैंने पूरी फाइल चेक कर ली है जी, उन्होंने अपने किसी भी नौकर का जी वेरिफिकेशन नहीं करवाया जी। नहीं, हम तो पुलिस हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं खेल खेल में। दुग्गल साहब तो आजाद घूमेंगे और शर्मा जी रहेंगे जेल में। एक्सक्यूज मी, शर्मा जी वर्मा जी अंदर आ सकते हैं? और कितना अंदर आएंगे आप? यहाँ तक। वेरिफिकेशन के कागज दो। वेरिफिकेशन? हाँ तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने अपनी बीवी से बात की कि अपने नौकर का वेरिफिकेशन करवाया चौकी में जाके, तो चौकी का नाम सुनते तो वो तो बहुत जोर से चौकी। उसने कहा कि अरे एक साल पहले तो अपना नौकर नौकरी छोड़ के जा चुका है ना वर्मा जी। अभी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा ना शर्मा जी। ना तुम्हारे कहने का मतलब यो है कि तुम्हारे पास नौकर कोई ना है? ना तो वो आदमी कौन था जिसे डुग्गल पीटता था, ना और वो आवाज किसकी थी जो सुन के वो तुम्हारी बीवी बेडरूम से बाहर आ जाती थी? इनकी इनकी दरवाजा ये खोलते थे और डुग्गल इन्हें पीटता था, है ना शर्मा जी? वो मैं हूँ वर्मा जी। हाँ शर्मा जी। ओके ओके, हाँ वो मैं था, मैं हूँ, माने कि वो मुझे पीटता था, मैं चिल्लाता था, वो सब जाने दीजिए ना। आप है ना वो दुग्गल को अरेस्ट कीजिए, है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। एक मिनट, क्या बार बार चढ़ते जा रहे हो? उतरो उतरो नीचे, और तुम जरा जाओ स्किपिंग करो। हाँ अब एक बात बताओ, कल रात को दुग्गल तुम्हारे घर आए थे? कल रात को दुग्गल मेरे घर पे आया था वर्मा जी। घर में आप रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना शर्मा जी। आया था वो। झूठ, कल दुग्गल तुम्हारे घर नहीं आया था। एक मिनट ना तन्ने कैसे बे रहा? क्योंकि कल पूरी रात दुग्गल मेरे साथ। क्योंकि कल पूरी रात दुग्गल मेरे साथ। मेरा मतलब है कि जब हम हनुमान जी के मंदिर से गुजर रहे थे कल रात को, तो हमने मिस्टर दुग्गल को देखा। कठोर तपस्या में वो आदमी लगा हुआ था एक टांग पर, और इस शरीफ आदमी पर आप जैसे लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। शर्मा लीजिए आप लोगों को। और तुम दोनों के दोनों क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हैं मेरे को? चलो हम तीनों के दोनों चल के तुम्हारी बीवी को छेड़ते हैं। चलो मतलब है कि हम तीनों की तीनों चलकर तुम्हारी बीवी से तहकीकात करते हैं, पूछताछ करते हैं केस के बारे में। ओहो न तन्ने ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत ना है, मैं संभाल रही हूँ केस। जो तहकीकात पूछताछ करनी होगी ना मैं करूंगी, तू चल। ओके, आप हैंडल करिए। अरे तू निकल ले ताऊ। कैरी ऑन कैरी ऑन। सॉरी सर। हाँ तो भाई ना नौकर तो ना है, बीबी तो है ना।
मेरी बीवी है वर्मा जी। आपके घर में जो रहती है वो आपकी बीवी होगी ना शर्मा जी? हाँ, बीवी है मेरी। गॉड, तो क्या सबूत हो रहा है कि वो छोरी थारी बीवी है? जी मैडम जी, मैंने ना एक लड़की को अपने घर में ना 3 साल रखा था और मोहल्ले वालों को बोला था ये मेरी बीवी है, जबकि वो मेरी बीवी थी ही नहीं। चुप! ना थारे से थारी पर्सनल डिटेल पूछी हमने, ना हम अखबार वाले हैं। सॉरी जी। तुम मैरिज सर्टिफिकेट दिखा। मैरिज सर्टिफिकेट है मेरे पास वर्मा जी। शादी आपकी हुई तो आपको ही पता होना चाहिए कि नहीं शर्मा जी? हाँ हाँ है, मेरे सर्टिफिकेट मेरे पिताजी के पास है। क्या कि मैं अगर उनके पास मिल गया तो मैं लेकर आता हूँ, वरना। अरे नहीं है ना, तो कल अपने बाप समेत चौकी में हाजिर हो जाना, वरना घर से उठवा लूंगी। ओके ओके मैडम। वर्मा जी जरा साइड पे आइए। आइए शर्मा जी। बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, पिताजी तो गुजर गए, अब मैं पिताजी कहाँ से लेके आऊँ? वर्मा जी आप चिंता मत कीजिए शर्मा जी, मैं हूँ ना वर्मा जी। अरे मेरे पिताजी जो है ना वर्मा जी, मैं एक दिन के लिए अपने पिताजी वर्मा जी को आपके पिताजी शर्मा जी बना के लेकर आऊंगा, ठीक है ना शर्मा जी? थैंक यू वर्मा जी। वेलकम शर्मा जी। हाँ तो चले वर्मा जी। हाँ चलो शर्मा जी। तो यो बात है शर्मा जी। हाँ जी, आपका नाम तो शर्मा जी है, तो आप वर्मा जी पे हाँ क्यों बोल रहे हैं? क्या है ना कि हम सब लोगों में इतना प्यार है ना कि अपने आप को कभी शर्मा जी और कभी वर्मा जी समझ लेते हैं, है ना अंकल? अंकल? अब हमारे मेरे बापू हुए। बापू? हाँ मेरे बापू हुए, तो आप वर्मा जी के अंकल हुए ना? हाँ, और अगर मेरे अंकल हुए तो शर्मा जी के बापू हुए ना? अरे यार मैं पैदाइशी कंफ्यूज आदमी हूँ, और कंफ्यूज मत करो। इसी कंफ्यूजन में तो तुम, नहीं नहीं तुम पैदा हो गए थे। अरे मैं नहीं, आपका बेटा ये है शर्मा जी। ये है बस, जो वर्मा शर्मा कॉर्पोरेशन बंद हो गया हो तो मैं कुछ कार्रवाई कर लूं ना? कर लूं मैं। अंकल जी आप मरने यो बताओ कि आपका जो बेटा है ना उसकी शादी हो गई है? हाँ शादी शादी नहीं, एक नहीं, दो 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 शादी हुई है, तीन बच्चे हैं, चार साल हो गए, पाँच लाख दहेज में लिए हैं। पिताजी, वर्मा जी, शर्मा जी, अरे शर्मा जी, नहीं वर्मा जी, अरे अंकल अंकल, ये लोग मेरे बारे में नहीं, आपके बेटे शर्मा जी के बारे में पूछ रहे हैं, जिनकी शादी तो हो गई है मगर अभी गौना नहीं हुआ है। हाँ, और इनके घर में जो रहती थी ना वो तो कब की गाँव चली गई वापस, उसे दुखल छेड़ा करता था। अच्छा, और गांव में तो मेरे सर्टिफिकेट बनता नहीं है। हाँ नहीं बनता, नहीं बनता है। और आपने खुद ही तो शादी करवाई थी। मैंने करवाई थी? इन्होंने जो कुछ बोला है ना वो समझ लो मैंने बोला है, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या है कि देखो, बिन गौना की सुहागन को वो दुग्गल ने छेड़ा था और उसने ही मुझे मारा भी था। आप है ना दुग्गल को गिरफ्तार कीजिए प्लीज। हमें हमारा काम ना सिखाओ, कानून है हम बालक ना है, गिरफ्तारी तो जरूर होगी। बेटा गुलगुले, तीनों के गले में टायर डाल के अंदर धर ले, गिरफ्तार कर ले इनको। क्यों वर्मा जी? उन्हीं से पूछ लेते हैं ना शर्मा जी। क्यों क्यों? ना पुलिस ने पगलैट समझ रखा है, ना हम सब पगलैट है यहाँ, ना कोई भी कहानी सुनाओगे और हम समझ जाएंगे। यो जो अंकल ने धर के लाए हो ना शर्मा जी का बाप बना के, यो इसका बाप ना है, यो थारा बाप है वर्मा जी। गोपी। हाँ जी जी। अरे कहाँ मर गया तू? हाँ जी जी मैडम जी, मैंने सब पता कर लिया जी, इसका नाम ब्रिजमोहन वर्मा है और ये ना डांस मास्टर है। टी ब्लॉक कप में जाके डांस सिखाएगा यो सबको, चल लेके जा तीनों ने। हम चलो अंदर। अरे अंदर क्यों ले जा रहे हो भाई? भाई देखो, भले ही इन लोगों ने झूठ बोला हो लेकिन अंदर की बात मैं बताता हूँ, वो ये है कि ये शर्मा की जो अम्मा है ना, जवानी में उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो हो सकता है कि ये मेरा बेटा हो। पिताजी, शर्मा जी। अरे बाद में बात करेंगे ना शर्मा जी। नहीं नहीं पहले कंफर्म कर लो कि ये कौन है। ये भगवान, बुढ़ापे में तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत का रगड़ा पेटिस हो गया, जवानी में तेरी अम्मा के चक्कर में फंस गया था, और बुढ़ापे में तेरी चक्कर में। आप परेशान मत होइए अंकल, देखिए हमने वकील से बात कर ली, वो हमारी जमानत करवा देगा। मैंने जिससे बात की वो वकील ही था ना वर्मा जी? लगता तो वकील ही था शर्मा जी। अरे वकील क्या कुछ कर पाएगा। ये कौन है वर्मा जी? इसी से पूछ लेते हैं शर्मा जी। मैं एक वास्तु शास्त्री हूँ,
और आपकी दशा देख कर ये बोल सकता हूँ कि आप पुलिस के चक्कर तब तक काटते रहोगे जब तक आप अपनी खुद के घर की वास्तु न ठीक कर लोगे। एक मिनट, अगर आप इतने बड़े वास्तुशास्त्र हैं, तो इस तरह जेल में क्या करें, है ना वर्मा जी? इसी से पूछ लेते हैं शर्मा जी, क्या करें? अरे हम तो लोगों को पुलिस वालों की नजर से बचाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं, इसलिए तो चिड़कर हमको यहाँ पे बंद किया है। खैर वो छोड़ दो, हम आपको एक नया नक्शा देते हैं, उस हिसाब से अपने घर पे तोड़ फोड़ करके बदलाव लाइएगा, फिर देखिए आपका समय कैसे बदलता है। हाँ कीजिए। हाँ कर दो वर्मा जी, कर लीजिए शर्मा जी। तैयार है, देख लिया जी दुग्गल जी, ना पुलिस का कमाल। अरे हमारे कहने पे यो वास्तुशास्त्री ऐसा घटिया नक्शा बनाएगा ना कि यो जो शर्मा है ना घर छोड़ के भाग जाएगा और फिर घर पे कब्जा थारा। बढ़िया बढ़िया मैडम जी बढ़िया, बस आपने जैसा कहा वैसा ही हो जाए, बाकी मेरे दिल में कुछ नहीं है। हाँ तो लगता है मिस्टर डाला आपने उस दुग्गल साहब का मामला निपटा दिया, क्योंकि ना तो वो दुग्गल नजर आ रहा है और ना ही वो शर्मा वर्मा। गुड गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों की मेहनत की वजह से मुझे काफी कमाने का मौका मिला, मतलब काफी नाम कमाने का मौका मिला है। गुड गुड, वेल डन वेल डन। ए कौन हो तुम लोग? मैं हूँ वर्मा जी और ये शर्मा जी। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ वर्मा जी और ये गुप्ता जी। गुप्ता जी वर्मा जी, वर्मा जी। दोनों के पीछे जी जी है ना। ओह यो के भूतिया सी शक्ल बना रखी है, और यो कौन है? ने एकदम ही भद्दा सा आदमी। मैडम मैं भद्दा आदमी नहीं हूँ, मैं दुग्गल हूँ। अबे जा, कहाँ दुग्गल साहब और कहाँ तू? मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही दुग्गल हूँ, वरना मेरे दिल में कुछ नहीं है। नहीं, लगता है कि ये सही कह रहे हैं कि दुग्गल इनका नाम है, क्योंकि मेरे दिल में तो कुछ नहीं है, तो दुग्गल साहब का ही तकिया कलाम है। अरे यार बताओ तो सही, हुआ कैसे ये सब? आप लोगों की वजह से मेरी ये हालत हुई है, आप लोगों ने जो आइडिया दिया था ना, इस वजह से। क्या हो गया? अरे पूरी बिल्डिंग गिर गई। है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। अरे दुग्गल साहब ने मुझे बताया कि वो वास्तुशास्त्र का आइडिया आप लोगों ने इसको दिया था। अरे इसके चक्कर में आके मैंने अपने फ्लैट में कौन से जगह पे हथौड़ा मारा कि मेरा पूरा फ्लैट टूट गया, ये दुग्गल का पूरा फ्लैट टूट गया और सारी बिल्डिंग नीचे आ गई। है ना वर्मा जी? हाँ शर्मा जी। अरे आप लोगों ने तो शर्मा जी को कहीं का नहीं छोड़ा, वर्मा जी को भी कहीं का नहीं छोड़ा, और ये दुग्गल को तो कहीं का भी नहीं छोड़ा। अरे आप लोगों को तो इनाम मिलना चाहिए, इनाम, क्योंकि हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो अवैध बिल्डिंग पिछले कई सालों से नहीं तोड़ सके वो आप पुलिस वालों ने एक घंटे में तोड़वा दी। कॉन्ग्रेचुलेशन, म्यूनिसिपालिटी की तरफ से आप लोगों को 10 लाख का इनाम।